Now we'll be starting with your first chapter, that is rational number. So now, what do you mean by rational number, बच्चों? कौन बताएगा? Raise your hand. अच्छा, वो जो देखिए सेक्शन मुझे जो नजर आ रहा है 8th A, लास्ट में एक ब्लू टी शर्ट वाला बेटा बैठा है, वो आ जाए आगे जरा. आ जाओ बच्चे. यस, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर? अपना माइक ऑन कीजिए पहले. माइक अनम्यूट कीजिए बेटा पहले. हाँ जी, आप बोलिए. यस, व्हाट इज रैशनल नंबर? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी. कैन बी ओवर क्यू वेयर पी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन. सो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. कैन यू टेल मी वाई क्यू शुड नॉट बी 0? Who will tell me? हाँ जी, सेक्शन ए फ्रंट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठे हैं येलो टी शर्ट, आ जाए आगे ब्लू एंड येलो वाले जो है. क्वेश्चन या वी आर डिफाइनिंग रैशनल नंबर एज दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ टेल मी वाई क्यू कैन नॉट बी 0. पूछना नहीं है, अगर आपको आता है तो बेटा बताइए. चल आप बताइए जी, साथ वाली स्टूडेंट. सर, बिकॉज इफ क्यू इज इक्वल टू 0 देन पी ओवर क्यू विल नॉट बी रैशनल नंबर्स. नहीं, वाई वाई क्यू कांट बी 0. हम कह बिकॉज रहे हैं देन देयर विल बी ना, लिसन नो. लिसन लिसन लिसन, वी आर सेइंग कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. हमने बोला ये चीज, इज 0 एन इंटीजर और नॉट? सर, 0 इज नॉट एन इंटीजर. हाँ, कौन कौन कहता है 0 नहीं है इंटीजर सर, बेटा? यस, 0 इज ए इंटीजर. देन वाई क्यू कैन नॉट बी 0? सिट डाउन. कौन बताएगा बेटा? और हाँ जी, और कौन बताएगा? आ जाइए बेटा, आ जाइए. मुझे जो हैंड नजर आ रहा है सेक्शन बी में. सर, इफ पी इज इक्वल टू 0 देन इट विल नॉट अ रैशनल नंबर एंड 0 इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू एंड इफ 0 इज क्यू इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी एन इंटीजर ओनली नॉट द रैशनल नंबर. बच्चे, ऑल ऑफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. सी, प्लीज सिट डाउन. सी, वी आर सेइंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? इज दिस क्लियर? सपोज मैं ये एज्यूम करता हूं कि लेट्स से पी इज 2 एंड क्यू इज 0. सो हमारा रैशनल नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 2 अपॉन 0. यस, यस, नाउ टेल मी इज इट डिफाइंड? कैन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 0? नो. दैट इज द रीजन व्हेन यू विल पुट क्यू एज 0, देन आर नंबर इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. तो दैट इज द रीजन. इज इट क्लियर? 0 एन इंटीजर ऑल्सो. डोंट से 0 इज नॉट एन इंटीजर, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर. समझ में आया बच्चों? यस, सो व्हाट वी लर्न टुडे, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन जो हमने लर्न कर ली है. क्या है डेफिनेशन? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. हाउ वी एड देम, हाउ वी सब्ट्रैक्ट देम, हाउ टू डू इट. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, जो चारों बेसिक ऑपरेशंस है बच्चे मैथमेटिक्स के. कौन कौन से होते हैं बेसिक ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन.
ऑल द फोर बेसिक ऑपरेशंस विल लर्न हाउ टू यूज दीज ऑपरेशंस इन रैशनल नंबर्स. देन आफ्टर दैट विल बी लर्निंग द रोल ऑफ जीरो एंड वन इन रैशनल नंबर्स. राइट, जीरो एंड वन मीन्स वी लर्न अबाउट द, हैव यू हर्ड अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, यस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स. राइट, सो दैट्स वाई द रोल ऑफ जीरो. राइट, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देर इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. नाउ यू नो व्हाट इज, व्हाट आर को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स? हाउ मेनी ऑफ यू नो? यस बच्चों, व्हाट आर को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स? बेटा को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन. मीन्स दोनों जो है आपस में उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, और उन दोनों का एचसीएफ क्या होता है? वन. फॉर एग्जाम्पल, टू ओवर थ्री, डीज आर को प्राइम और नॉट? राइट. नाइन बाय इलेवन, दे हैव द एचसीएफ एज, इन दोनों का एचसीएफ कितना है बच्चों? नाइन और इलेवन, डू दे हैव सम कॉमन फैक्टर? नो, सो दे आर को प्राइम. को प्राइम आर दोज नंबर्स. कोई और एग्जाम्पल दीजिए मुझे को प्राइम के. गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम विच आर नॉट प्राइम. हाँ जी, एक एक बच्चा हैंड रेज कीजिए जिसको पता है. कौन बताएगा जी? सेक्शन ए से रोल नंबर 10, आ जाओ बेटा. टेल मी टू को प्राइम, टू प्राइम नंबर्स. नाइन. बेटा थ्री एंड नाइन तो, थ्री जो है वो प्राइम है, नाइन नहीं है. बट बोथ ऑफ देम हैव द एचसीएफ एज थ्री. थ्री दोनों का कॉमन फैक्टर है ना बेटा. सो दैट इज नीदर ए पेयर ऑफ प्राइम नॉर को प्राइम. बेटा मैं क्या पूछ रहा हूं, टेल मी टू नंबर्स विच आर को प्राइम बट नॉट प्राइम. यस, हाँ जी, आप बताइए. सेक्शन बी में रेड टी शर्ट हैंड रेज किया हुआ है जो, आ जाए बच्चे. हाँ जी बेटा, फाइव सर 5/13 ओवर थर्टीन. बेटा दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम भी है, को प्राइम भी है. मैं कह रहा हूं कि को प्राइम तो हो बट प्राइम नहीं होने चाहिए. देखिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 3/5 फोर एंड नाइन. फोर एंड नाइन, बेटा दोनों का एचसीएफ क्या है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर वन. बट ये इज इट ए प्राइम नंबर? नो इज इट ए प्राइम? सर यस यस और नो? नो नो, क्लियर नहीं है. क्यों नहीं है बेटा? थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं हम इसको, यस और नो? तो यस फिर ये प्राइम नहीं है ना बेटा. प्राइम क्या होता है? जो खुद से डिविजिबल होता है और वन से. फॉर एग्जाम्पल इलेवन, इलेवन को आप इलेवन से डिवाइड कर सकते हो और वन से. राइट और नॉट? मतलब वन और, यस सही यस ठीक है. बट नाइन तो जो है वो प्राइम नहीं है, बट दे आर को प्राइम. इज इट क्लियर? यस नाउ कम टू द कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर है किसी को आइडिया बच्चों? हाँ जी बताइए बेटा. सेक्शन ए, विच कम इन मोर देन 2 टेबल्स विच विच फिट करना बेटा. सर विच कम इन द ऑन टेबल एंड इन अनदर टेबल ऑल्सो यस बेटा, देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है. जैसे मैंने लिया फोर, इट इज मींस जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में
वन और नंबर के अलावा कोई और भी नंबर हो, मतलब समझ में आ रहा है? जैसे फोर है, फोर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? वन इंटू फोर एंड टू इंटू टू, सो वन एंड फोर के अपार्ट देर आर टू ऑल्सो। समझ में आ रहा है? कंपोजिट नंबर मीन्स जो कई नंबर के प्रोडक्ट से बने हों, राइट? इज दिस क्लियर? अब आपको जो ये बेटा ग्रुप दिया हुआ है नंबर्स का, टेल मी टू को प्राइम नंबर्स फ्रॉम दिस, टू पेयर्स ऑफ को प्राइम, टू पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स, बताइए बच्चों जल्दी से। हाँ जी, प्लीज टेल मी टू पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। इतना मुश्किल तो नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। वन इज दिस, दिस और दिस, ये सारे देख रहे हो आप, ये वाला भी है, दिस आल्सो। कितने सारे तो बेटा बन रहे हैं को प्राइम, यस और नो? ये सारे जो हैं को प्राइम हैं, दिस आल्सो, अगेन दिस, दिस 15 एंड 2, ये सारे को प्राइम है बच्चों, राइट और नॉट? नाउ टेल मी फ्रॉम ऑल दीज नंबर्स विच आर कंपोजिट नंबर्स। शुरू हो जाओ। इज 20 ए कंपोजिट? इलेवन? नो। 13? टू? टू इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए, बच्चे सिंपल सी बात है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, राइट? इज टू ए प्राइम नंबर? यस। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट? 19 एंड 17 दे आर ऑल्सो। चलिए अब मुझे कंपोजिट बताइए, कंपोजिट सिर्फ एक 20 था यहाँ पे, 8 4 6 6, राइट? बस बस, इज इट क्लियर? दोनों चीजें क्लियर होगी बच्चों, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट बेटा देखिए, एक फ्लो फ्लो चार्ट बना रैशनल नंबर की। सबसे पहले नेचुरल नंबर, सबसे पहले Sir, your voice is not audible properly. या आई थिंक देयर इज सम इको। यस स्टूडेंट्स, सो लुक एट दिस फ्लो चार्ट नाउ, इट इज ओके? नाउ लुक एट दिस फ्लो चार्ट बच्चों, हियर वी हैव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इफ वी एड 0 टू इट, इट बिकम्स होल नंबर। होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स दे मेक इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड पॉजिटिव फ्रैक्शंस मेक नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव फ्रैक्शन। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो बेटा, वैसे तो फ्रैक्शन जो होते हैं वो ओनली पॉजिटिव होते हैं, देर इज नो टर्म कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस, राइट बच्चों? ऑल टुगेदर मेक रैशनल नंबर्स, राइट? चलिए हाँ जी, कैन यू सी टू फोटोग्राफ्स हियर? ये दो पिक्चर्स नजर आ रही है बेटा। नाउ कैन वी यूज दिस नंबर्स, दिस इंफॉर्मेशन टू राइट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर्म? बच्चे ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कुछ, ए नॉर्मल पैसेंजर एयरप्लेन फ्लाइट एज एट एन आल्टीट्यूड ऑफ, 9.7 किलोमीटर कैन यू राइट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर? टेल मी हाउ। Yes.
द अल्टीट्यूड इज प्लस 97/10, राइट? नाउ दिस इज, व्हाट इज दिस? 450 ओवर नीचे फिगर में क्या शो कर रखा है? ये किस चीज की फोटो है? सबमरीन क्या होती है बेटा? एक बच्चा, सॉरी, वन स्टूडेंट, टेल मी व्हाट इज सबमरीन? वन स्टूडेंट, रोल नंबर 13 फ्रॉम सेक्शन बी, थर्टीन और थर्टी थर्टीन 13, सर व्हाट इज सबमरीन बेटा? सर आई डोंट नो व्हाट इज समरी ओके, नाउ ये बेटा सेकंड बेंच पे मिडल रो में ब्लू। हाँ जी बेटा, बताइए जरा। पर्पल है, ब्लू नहीं है। यस बेटा, सर सबमरीन इज अ टाइप ऑफ शिप दैट गो इन टू डीप ऑफ द वॉटर टू रिसर्च अबाउट द लिविंग फिशेज एक्सेट्रा द मेन थिंग इज इट कैन गो इनसाइड द वॉटर, डीप इन टू इनसाइड द वॉटर, राइट? प्लीज सिट डाउन। वेरी गुड बेटा। नाउ देर इज एन इंफॉर्मेशन, मोस्ट मॉडर्न सबमरीन्स आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम 0.450 किलोमीटर्स, मीन्स ए सबमरीन कैन गो सो मच बिलो द वॉटर लेवल। नाउ इफ वी हैव टू राइट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, हाउ वी विल? 450 ओवर बच्चे, व्हेन यू आर सी, व्हेन यू आर गोइंग डाउन, सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट, राइट? नाउ कैन यू राइट दिस एज? राइट बच्चों, नाउ यू कैन फर्दर रिड्यूस इट। सो दिस वे दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म इन टू द रैशनल फॉर्म, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, सम ऑपरेशंस ऑन द एडिशन ऑफ द एंड मल्टीप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों? व्हेन यू ऐड 0 टू एनी रैशनल नंबर, द आंसर इज सेम, राइट? आपने 0 ऐड किया बेटा, एक रैशनल नंबर पी था, उसमें 0 ऐड किया, इट विल रिमेन पी एज इट। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मीन्स बाय व्हाट नंबर वी शैल मल्टीप्लाई ए रैशनल नंबर सो दैट द रिजल्ट इज सेम, व्हाट इज दैट? गॉट इट? इज इट क्लियर? सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इज इट क्लियर बच्चों? राइट। सो नेक्स्ट, देर इज ए क्वेश्चन, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अब मैं जिससे पूछता जाऊंगा वो आंसर करता जाएगा जी। यू जस्ट हैव ए लुक एट इट। हाँ जी, रोल नंबर 16 सेक्शन ए, रोल नंबर 16 सेक्शन ए, राइट? यस बेटा, आगे। हाँ जी बेटा, पी जो है सी विल मैच विद विच ऑफ द ऑप्शंस? व्हाट इज सी? 13/-17 इंटू 1 इक्वल टू -13/70 इक्वल। हाँ जी बताइए, ये रोल नंबर 16 बोलेंगे बेटा, कौन है? माइक के पास आ गए आप? हाँ जी, एस ऑप्शन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यस बच्चों, प्लीज सिट डाउन। इज इट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? व्हाट हेलो इज इट हेलो बेटा? ऑफ व्हाई नॉट
बच्चे अभी पिछली स्लाइड में क्या किया हमने? सेम नहीं किया जी। पी इंटू वन, ये देखिए बैक स्लाइड देखिए अभी जरा। बैक स्लाइड देखिए ये वाली, पी इंटू वन इक्वल टू पी इक्वल टू वन इंटू पी। सो इज इट नॉट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यस और नो बच्चों? तो नाउ व्हाट इज सी ऑप्शन? इज सी ऑप्शन नॉट दिस? इट इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इज इट क्लियर? नाउ टेल मी व्हाट इज द बी ऑप्शन? हाँ जी, रोल नंबर 19 सेक्शन ए। सर 19 एब्सेंस है तो 19 के साथ वाला 20 आ जाए जी। नाइनटीन 20 कौन है बेटा, आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, बी का राइट ऑप्शन क्या है बेटा? हाँ जी, टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। वेरी गुड बेटा। सी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? इफ यू हैव ए इंटू बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू ए इंटू दिस इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर ये वाला साइन नेगेटिव हो जाए बच्चों, इफ दिस साइन इज नेगेटिव, सो देन इट बिकम्स सब्ट्रैक्शन, नॉट एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बच्चे जब माइनस आ गए तो ओवर सब्ट्रैक्शन नहीं हो गए, राइट? सो बी का राइट ऑप्शन कौन सा है? नाउ नेक्स्ट ए, हु विल टेल मी सेक्शन बी, रोल नंबर 17। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बेटा। जल्दी आ जाओ बच्चे, जल्दी आ जाओ। हाँ जी बेटा बताइए। ऑप्शन ए ऑप्शन ए, इज इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इज सर इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव यू सर यू प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू इनकी ग्रुपिंग, इट इज यू ऑप्शन ये होती है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज ए टू बी इज इज यू इक्वल टू, ये इसको कौन सी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज ई, रोल नंबर 3 सेक्शन बी, रोल नंबर 3 सेक्शन बी। आ जा बेटा, आ जा फटाफट से। हाँ ऑप्शन आर एक्सिस्टेंस ऑप्शन आर, ई का कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा ये? एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। वेरी गुड बेटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है कि अगर हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें, इसके इनवर्स से, मींस 1/a से, तो आंसर कितना आता है? 1। सो इट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? एक ही बचा है बच्चों। अब सर मुझे बताओ राइट चॉइस कौन सी है नीचे से, विच इज द राइट चॉइस? ऑप्शन गिवन है ना नीचे, प्लीज टेल मी विच इज द राइट चॉइस। ए ऑप्शन ए, ए इज यू, ए इज यू, बी इज टी, बी इज टी राइट, सी एस, सी इज एस राइट, ई इज, यस ऑप्शन ए इज द
करेक्ट ऑप्शन। राइट बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, यस और नो? राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज टू थिंग्स, वन इज ओवर एडिशन, अदर इज ओवर ए इंटू बी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, अनदर इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इज देयर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन? यस यस, बट उसका नाम नाम उसका चेंज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है उसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन नहीं नहीं बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इन ए सेंस इट बिकम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट, ओवर एसोसिएटिव। देखो ना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ एडिशन। पे हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, सो देर इज नथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड वी हैव प्रॉपर्टी। ओनली टू थिंग्स ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राइट, नेक्स्ट। देर आर सम क्वेश्चन ऑन असर्शन रीजन। यू नो व्हाट आर असर्शन रीजन बच्चों? बेटा देखिए, इसकी ना फोर ऑप्शंस होती हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? बोथ ए आर आर एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन रहती है बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी होती है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल रियल ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, इज दिस ट्रू और नॉट? इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाई बेटा? रैशनल नंबर जो होते हैं, दे आर क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? व्हेन यू ऐड टू नंबर्स और टू रैशनल नंबर्स इन दिस केस, सो आंसर इज आल्सो ए रैशनल नंबर। मीन्स इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, यू ऐड देम, देयर आंसर इज सी। सो हेयर ए बी एंड सी ऑल आर, दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड क्लोज अंडर एडिशन, यस दे आर क्लोज, बट यहाँ पे क्या लिखा है? नोट क्लोज, सो दिस विल बी सेकेंड थिंग। रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज इट करेक्ट और नॉट? ये तो डेफिनेशन आ गई ना बेटा रैशनल नंबर की, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। राइट, कम टू द सेकंड क्वेश्चन बच्चों। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इज इट ट्रू और फॉल्स? वाई फॉल्स? वाई फॉल्स बच्चों? आपके पास दो रैशनल नंबर, इनका जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर होगा कुछ और होगा बेटा? रैशनल नंबर ही होगा या नहीं होगा? तो फिर ये फॉल्स है ट्रू है? ट्रू हो गया ना बेटा। राइट, सो नेक्स्ट। नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, फोर।
टेल मी व्हाई? हु विल टेल मी? प्लीज रेज योर हैंड. रोल नंबर 11 सेक्शन बी. जल्दी से बताओ जरा मुझे, व्हाई व्हाई इट इज फॉल्स? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जल्दी आ जाओ. Sir, because they will become a rational number. बच्चे नेचुरल नंबर पूछा है हमने. नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल देखिए, 2 एंड 4 आर नेचुरल नंबर्स. Yes. व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, सो इज इट ए नेचुरल नंबर? सो दे आर नॉट क्लोज्ड, राइट? क्लियर बच्चे? तो ये इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए जी. यस, असर्शन गिवन है 3/2 - 7/5 इज इक्वल टू 7/5 - 3/2. इज इट ट्रू और फॉल्स? सेकंड वन, रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव. इज इट, ये ट्रू है बच्चों या फॉल्स है? बच्चे देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, ये फॉल्स है और इसी का एक्सप्लेनेशन है ना, ये इसी के बारे में बताया गया है बेटा. तो Yes. ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, नीचे वाले ट्रू है. सो आंसर विल बी नेक्स्ट The option. वन बच्चों. रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इज इट करेक्ट? यस यस, दे आर एसोसिएटिव एज वेल एज. नेक्स्ट वन, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम और द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज. सो बेटा दिस इज अ राइट एक्सप्लेनेशन और नॉट? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, राइट बच्चों? सो दिस इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट इज, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. विच प्रॉपर्टी इज दिस? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन. सो दिस इज ट्रू. इज इट ट्रू और नॉट? रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस और नो? नो. वाई? कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा वाई, बताइए कौन आएगा? रोल नंबर 27 सेक्शन ए. आ जाओ बेटा. आ जाओ बेटा जल्दी से. हाँ जी, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, राइट बच्चों? बताइए जरा बेटा, आता है तो बताइए, नहीं आता तो से नो एंड यू कैन गो बैक टू योर सीट. हाँ जी, आप बताइए बेटा, जो आपका हैंड रेज किया है सेकंड बेंच रेड शर्ट. हाँ जी, हाँ जी, ट्रू है बेटा ये. देखिए बच्चे, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको. प्लीज सिट डाउन ऑल ऑफ यू. हाँ जी, बच्चे रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, ये ट्रू है फॉल्स है? मैं आपको एग्जांपल, एक मिनट बच्चे, ये देखिए, अगर हम अगर हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 2/3, राइट? यस. इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 0, देन इट विल बी डिफाइंड और नॉट? Gracias.
जीरो से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इज इट ओके और नॉट, इज इट डिफाइंड और नॉट, इज सर नो इट्स नॉट हेलो सर नो इट इज नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, सो देन इज इट ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू ट्रू, सो बोथ आर ट्रू, सो आंसर विल बी ऑप्शन. ऑप्शन ठीक है बच्चों, यस नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे कंटिन्यू. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सर.